बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और कॉमेडियन जगदीप उर्फ सुरमा भोपाली का बढ़ता उम्र से होने वाली दिक्कतों के कारण सभी को अलविदा कहकर चले गए। उनका जाना बॉलीवुड के लिए बहुत ही नुकसानदेही है। जगदीप ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। जगदीप ने कई ऐसे अनोखे किरदार निभाए कि दर्शक उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। कभी शोले के सुरमा भोपाली तो कभी पुराना मंदिर के मच्छर, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी थी। हर कोई इस महान कलाकार को याद कर रो रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई जगदीप को अपनी ही अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं जगदीप के बेटे भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। एक तरफ जावेद जाफरी एक बड़े एक्टर के रूप में उभरे हैं, तो वहीं नावेद भी सुर्खियों बटोरते रहते हैं। खुद जगदीप अपने बच्चों की तरक्की से खास खुश रहते थे। कई साल पहले जगदीप ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन सभी का ध्यान खींचा था उनके एक वाक्य ने। जी हाँ, उस इंटरव्यू के जरिए ये पता चला था कि जगदीप न सिर्फ अपने बच्चों के काफी करीब है, बल्कि उनकी सफलता में अपनी सफलता तलाशते हैं। उस इंटरव्यू में जगदीप ने कहा था कि उन्हें अगर कोई जावेद का वालिद कहे तो मिलता है सुकून। अब जगदीप के इसी अंदाज से पता चलता है कि वो कितने महान थे। उन्होंने खुद कई बेहतरीन फिल्में की थी। जगदीप ने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया था, लेकिन उन्हें अपने बच्चों का संघर्ष ज्यादा बड़ा लगता है। जगदीप मानते थे कि उनके बच्चों ने बूगी बूगी शो बनाकर खूब नाम कमाया, लेकिन उस शो को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी, इस बात का भी जगदीप को एहसास था। जगदीप ने इंटरव्यू में ये भी माना है कि उनकी नजरों में जावेद जाफरी ने उनसे बेहतर काम किया है। वो जावेद के करियर को अपने करियर से बेहतर मानते हैं। उन्होंने कहा था, मेरा बच्चा मुझसे अच्छा काम कर रहा है, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, बहुत खुशी होती है।